गाइस तो हम निकल रहे हैं शाहपुर के लिए। शाहपुर भिवंडी से लगभग 15 किलोमीटर तक है। क्या बोला तूने? 15 किलोमीटर तक है शाहपुर भिवंडी से लगभग। इतना बड़ा गड्ढा आ गया हमारे आपके आगे आने के बाद ही। भिवंडी से लगभग 50 किलोमीटर तक है। पिछले हफ्ते में इधर बहुत ज्यादा पानी भर गया था। इतना ज्यादा पानी भर गया तो ये कई लोगों का नुकसान हो गया। 4 से 5 लाख का नुकसान हो गया। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। चलो फिर हम लोग वहाँ जाके शूट वगैरह करेंगे और रास्ते में एंजॉय भी करेंगे। आपको दिखाते रहेंगे, एक दूसरे की लेते भी रहेंगे। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। लेने वाला मतलब वो वाला लेने नहीं, मस्ती मजाक वाला, नहीं तो आप डीप में चले जाओगे। चलो फिर शुरू करते हैं। रास्ते में आपको बहुत से हंसी मजाक दिखाते रहेंगे। क्या बात है, तो फ्रेंड्स हम आ गए नासिक हाईवे पे, जो वड़पा से होकर नासिक हाईवे पे मिलता है। ए भाई जरा आराम से, पूरा मटेरियल यहाँ हुआ हो गया। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। हाँ तो इधर नासिक हाईवे पे आ गए हैं और यहाँ गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ज़्यादातर इधर ही मिलेगी आपको। और इधर ढाबे भी कई सारे हैं, जैसे कि सामने दिख रहा है अलहिंद ढाबा। ये ढाबा बहुत ही पुराना है और यहाँ हम बहुत बार आ चुके हैं। काफ़ी अच्छा लगता था ये ढाबा पहले, अगर आप थोड़ा अलहिंद ढाबा अकबर जैसे हमारे फ्रेंड बता रहे हैं अकबरों के ज़माने जैसे ये जोधा यही थे और अकबर ये बना दिए। मौसम देखिए, बारिश का मौसम हो रहा है एकदम, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है मेरे को। तो आप लोग को कैसा लग रहा है भाई, कमेंट करके बताएं कैसा मौसम है और गाड़ी बंदा कैसा चला रहे हैं। मेरे को तो सर थोड़ा जान झलक में आ जा रही है, कभी कभार दिल भी मुंह में आ रहा है, फिर नीचे उतारना पड़ता है। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। तो गाइस हम आ गए इधर पेट्रोल पंप पे, जो नासिक हाईवे का पेट्रोल पंप है। डीजल क्योंकि गाड़ी में हमारी लगभग थोड़ा कम हो गया है, तो भाई कितने तक का डीजल भराएंगे? ठीक है ठीक है। और ये हर जगह जाने का बोर्ड है, जैसे कि इंदौर धुले नासिक कल्याण। इंदौर तो बहुत ही ज़्यादा लंबा है, 534, और धुले और मालेगांव तो हमारा बहुत ही स्पेशल शहर है, सिटी है। हमें बहुत ही खूबसूरत लगा था मालेगांव, तो हम उस टाइम व्लॉग नहीं बना पाए, मगर जल्द ही मालेगांव का भी व्लॉग आएगा। कुछ महीनों में हम मालेगांव भी जाएंगे तो आपको मालेगांव की भी व्यूज दिखाएंगे। काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत व्यू है उधर। इधर भी एक पेट्रोल पंप है, वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी खूबसूरत लगता है रात में। हमें तो बहुत अच्छा लगता है इधर, जिसको शूट वगैरह करना रहेगा तो रात में इधर आके नाइट शूट इधर कर सकते हैं। और हम आ चुके हैं बड़गा टोल नाके पे। इधर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, कर्मचारी लोग भाई चक्के से देखो क्या लेना देना है। भाई नाइट शूट नहीं चल रहा, मापोली वाले चक्के तेरे को बुलाएंगे। ये देखो भाई ये सब लोग यहाँ क्यों रहते हैं। हाय इतना सुकून। तो फ्रेंड्स हम टोल नाके पर पहुँचे तो बहुत देर से, मगर इधर ट्रैफिक है कि क्या है कुछ पता नहीं लग रहा है, बहुत ही ज्यादा भीड़ है। ये आ गया हमारे हस्त मिथुन अजमत भाई का गाना। गया मत होगी
जाने मन, अब तू भी बोल, तू भी बोल। ए जाने मन बोल रहा। पहली बार आ रहा हूँ। ला 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 ला। ये रही शाहपुर की मार्केट। ये काफी बड़ी मार्केट दिख रही है हमको। खेड़े गांव के लोग जो है इधर, हमारे भाई बहन, और आज फ्राइडे भी है जिस हिसाब से पब्लिक देख रहे हैं आप, बहुत ही भीड़ रहती है इधर। हर एक चीज़ सस्ते में मिलेगी आपको। अगर आपको इधर कुछ मार्केट वगैरह करना है तो आप आगे कर सकते हैं। You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark. तो शाहपुर के लिए हमने राइट ले लिया है। ये साई भातसा होटल के पास से हमने राइट ले लिया है। भातसा रख। अरे कहना क्या चाहते हो? जाने दो भाई, मेरी जबान घूम जाएगी यहाँ, जैसे कि तेरे मोबाइल घूम गया यहाँ। जैसे कि ये रास्ता देख रहे हैं आप, काफी इधर उधर हो रहा है, और व्यू तो मत पूछिए, दिल खुश हो गया है यहाँ का व्यू देख के। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है। ये देख रहे हैं आप, बहुत ही डरावना रास्ता दिख रहा है हमें, और हमारे दोस्तों लोग की रोड फटे जा रही है, फटे जा रही है भाई भाई। और प्यार से देखो, अरे हमारी गांठ फटी हुई है, कहाँ चलाएंगे प्यार। समझा, आ चुके हैं शाहपुर के अंदर, क्योंकि फिर से बादशाह डैम ना, बादशाह डैम, बादशाह डैम बंद था, इसलिए हमने गांव के अंदर आ गए हैं। तो रेस्ट करने के लिए इधर से, इधर बहुत सी दुकानें हैं, दुकान से थोड़ा पानी वगैरह लेके रेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि हमारी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, रिटर्न हो रहे हैं अपने घर की तरफ। तो देखेंगे आप हमारा रास्ता, खौफनाक रास्ता। तो फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं अपने घर की तरफ, और रास्ता आप देख ही सकते हैं कितना ही खौफनाक दिख रहा है। एक इंसान तो क्या, जानवर भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। और यही रास्ता जो है पीछे गया हमारे, वो बादशाह डैम की तरफ जाता है, जो इस टाइम बंद हो चुका है, और आज शायद बंद ही था। यहाँ के जो रहने वाले हैं उनसे हमने पूछा, तो उसने कहा कि अभी फिलहाल बंद चल रहा है, कुछ दिनों में ओपन होगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम वो रास्ता पार कर चुके हैं और हम आ गए हैं हाईवे की तरफ। जैसे
जैसे कि आप देख रहे हैं हम टोल प्लाजा पे आ चुके हैं, भड़का का टोल है जो, और हम टोल की लाइन में लग चुके हैं। हमने टोल ब्रेक कर चुका है और टोल ब्रेक करके अपने घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। और इधर भी बहुत सी कंपनियां हैं जिसे बोला जाता है नासिक रोड, और इधर बहुत से होटल और ढाबा है जिसमें आप रेस्ट कर सकते हैं। ये तरीका है। जैसे कि आप देख रहे हैं भिवंडी के काफी फेमल तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तो फाइनली गाइस हम आ गए अपनी मुकाम पर जहां हम गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, और ये रहा हमारा रूम। ये बिल्डिंग पे हमारा रूम है, सेकंड फ्लोर पे। आप आ सकते हैं हमसे मिलने के लिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। बोलियो भाई, लाइक करें शेयर करें भाई, सब कुछ कर दो जो समझ में आए, पैसा लगा दो भाई। लाइक को इतना ठोको कि वो टूट जाए। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।